जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल स्वागत प्रोग्राम अज का मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारे इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करती हाँ यू नो अनफॉर्चुनेटली जो तुसी न्यूज़ डिलीवर करते हो या तुहाडा खबरां दा काम हुंदा है अनफॉर्चुनेटली काफ़ी तुहानू माड़ी खबर देनी पैंदी है बैड न्यूज़ खास करके अजकल जिथे ये लगता है कि हर दूजे दिन कोई ना कोई क्राइसिस कोई माड़ी खबर कोई मतलब वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट या कोई एहो जी चीज़ बारे तुहानू दसना पैंदा है सानू जो मतलब ना सानू चंगी लगदी है ना तुहाडे लई सुनन लई उहदे च कोई मतलब वधिया चीज़ हैगी बट जो अजकल क्राइसिस चल रही हैं भावें वह मिडल ईस्ट विच होए भावें इंडिया विच तुसीं देख लो किसान मोर्चा कोविड हुण ये जो टाइफून आया हैगा दिन बर दिन लगता है कि सिचुएशन माड़ी हो रही है एंड जो लीडर्स हैं जो साडे लीडर्स हैगे भावें तुसी वड्डी सरकारां कह लो या इलेक्टेड ऑफिशल्स कह लो वो राजनीति च लगे हुए है वो मतलब उस तरह दा रिस्पोंस नहीं लैके आ सकदे जो लोकां नूं चाहीदा है ना शॉर्ट टर्म लई ना लोंग टर्म लई इन सारी सिचुएशंस दे विच ऑफ कोर्स सानू एक चीज़ दे बारे गल करदे हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हुंदी है कि एटलीस्ट एहो जी संस्थावां तां हैगियां जिदा नॉन प्रॉफिट्स या फेथ बेस्ड ऑर्गनाइजेशंस जो साडी कम्यूनिटी विच सिख कम्यूनिटी विच बहुत ज़्यादा वेखन नूं मिलदियां या इंडिविजुअल्स जो मतलब जिदा कहिंदे ना लाइक स्टेप अप हो के वो गैप फिल कर रहे जिथे मतलब ऑफिशियल तौर ते सरकारां नूं शायद करना चाहिए नहीं कर पा रहे उत्थे नॉन प्रॉफिट्स अपना रोल निभा रहे हैं सोसाइटी दी बैटरमेंट लई लोकां दे बेनीफिट लई लेकिन यू नो ये भी जो तुम चैरिटी की गल करते हो जो तुम इस तरह की वधिया काम की गल करते हो ये भी दो तरह के काम होंगे एक तो जो तुहाडी इमीडिएट नीड्स है अगर आप कोविड का एग्जाम्पल लैके इत्थे गल करते हैं इमीडिएट नीड्स इंडिया दे विच ऑक्सीजन की दवाइया की मेडिकल इक्विपमेंट की वैक्सीन की हैगी बट लोंग टर्म इत्थे इशू की आ एक अंग्रेजी कहावत हैगी कि तुसी एक यू नो यू कैन स्टिक अ बैंड एड ऑन अ बुलेट होल है ना तुहानू अगर गोली वजी है तो तुसी पट्टी ला के उन्हूं ठीक नहीं कर सकते तुहानू उहदे ते गोली कढ के सर्जरी करके उन्हूं हील करना पैना है राइट सो इंडिया दे विच जो एक कोविड की क्राइसिस है उन्हें बहुत वड्डे लैवल ते दिखाया कि हैल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच की कुछ कमियां सीगियां ते उस चीज़ नूं अगर तुसी एड्रेस करना होए ताकि एहो जी क्राइसिस एहो जी सिचुएशन आने वाले समय दे विच फिर ना होए उहदे लई कौन काम कर रहा उहदे लई की एफर्ट्स हो रही हैं उहदे लई की संस्थावां की इंडिविजुअल्स लगे हुए है ताकि सिस्टमिक चेंज आए जो सिस्टम बनया होया उहदे च कोई इहो जिहा बदलाव आए ताकि अगे आने वाले समय दे विच ए चीज़ां ना फिर होन सो अज मैनू बहुत खुशी हो रही है ये मेरे मैं कहूँगी फेवरेट तरह के प्रोग्राम होंगे है जिथे मैनू तुहानू बैड न्यूज़ तो देनी पैंदी है जो हैडलाइनस होंगी ब्रेकिंग न्यूज़ होंगी है बट अज जिस तरह का मैं प्रोग्राम तुहाडे लैके आया है ये पॉजिटिविटी है ये गुड न्यूज़ है ये ना कि सिर्फ गुड न्यूज़ शॉर्ट टर्म लई बट लोंग टर्म मीनिंगफुल चेंज उहदे बारे आपां अज गल करन जा रहे हां एक संस्था दे नाल मैं तुहाडी मुलाकात करावांगी जो काफ़ी लंबे समय तो इहो जी ही मिशन ते लगे हुए है कि दुनिया दे वक्ख वक्ख एरियाज़ दे विच किस तरह लोंग टर्म मीनिंगफुल चेंज वो लैके आ सकते हैं जो सिस्टम नू चेंज कर सकता है ताकि जो रूट कॉज हैगा प्रॉब्लम दा जो जड़ है किसी भी इशू दी उस चीज़ नू सुधारा जाए ना कि सिर्फ तुसी पट्टी ला लो राइट सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं अज अपने गेस्ट्स नू तुहाडे नाल मिलाना चाहती हाँ जॉइनिंग अस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन अशोका दो उना दे टीम मैंबर अज साडे नाल जुड़ रहे हैं प्लीज़ जॉइन मी इन वेलकमिंग अ वंडरफुल पैनल ऑफ लेडीज सब तो पहले मैं साडे गेस्ट नू वेलकम करती हाँ तुहानू दोनों नू सत श्री अकाल सो आई वॉन्ट टू टेल द व्यूअर्स साडे नाल जुड़े हैं ऑफिशियल तौर पर अशोका संस्था वालों मनमीत मेहता जी जो कि वाशिंगटन DC तो साडे नाल जुड़े हैं डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप्स ऑफ अशोकाज यूनाइटेड स्टेट्स आर्म एंड ऑफकोर्स गुरदीप कौर जी जो कि पहले भी साडे नाल जुड़ चुके हैं फ्रॉम लॉस एंजलिस सिटी प्लैनर तुसी लॉस एंजलिस दे विच काफ़ी पोलिटिकल तौर पर इन्वॉल्व सिगे इन द पास्ट यू जॉइंड अस टू टॉक अबाउट सम ऑफ योर वर्क एज अ डेलीगेट
for the Democratic Party. So, sab to pehle tonu donna nu swagat. I love having an all female panel on my show, so it's a special treat for me as well. You know, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਅਸ਼ੋਕਾ, ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਟਿਪੀਕਲ ਚੈਰਿਟੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਡੋਨੇਟ ਯੂਰ ਮਨੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜੀ, ਅਸ਼ੋਕਾ 1981 ਮੈਂ ਬਿਲ ਡਰੇਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਔਰ ਉਨਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਅੰਟਰਪ੍ਰਨਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਜੈਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਰ ਇਸੈਂਸ਼ਲ ਆਈਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਓ ਔਰ ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਢੂੰਡੋ, ਤੇ ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਵੈਦਰ ਅਗਰ ਆਪ ਪੋਵਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸੇ ਕਾਮ ਕਰੇ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ, ਯੂ ਨੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੋ ਤਦੀ ਯੂ ਨੋ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਔਨ ਦੀਸ ਡੀਪ ਰੂਟਡ ਇਸ਼ੂਸ। ਯੂ ਨੋ ਵੈਦਰ ਆਪ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਪ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਲਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕੈਸੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਹਮ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਕੈਸੀ ਇਕੋਨਮੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਬਸ ਮਿਲੇ ਜੋ ਫੇਅਰ ਵੇ ਜੋ ਹੋਏ। ਸੋ 1981 ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਅਭੀ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਵਿਦ ਆਫਿਸਰਸ ਇਨ 60 ਕੰਟਰੀਜ਼। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਅੰਟਰਪ੍ਰਨਰ ਜਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਕੋ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਵੋ ਐਕਟ ਕਰੇ। ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੋ ਬਦਲੇ, ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਵੋ ਬਦਲੇ, ਕੋਈ ਨਯਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ, ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਕਟ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਸ਼ੋਕਾ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੇ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਐਸਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਬੜੇ। I'm glad you said that, and ede bare mein ho jankari zarur tade to puchna chahungi Gurdeep ji, main chahundi ki tusi sanu thoda dasso, because tusi matlab you know kafi actively involved ho, you know agar tusi ek outsider's perspective sanu dena hoye simple shabdan ch, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਹੰਡਰਡਸ ਮਿਲੀਅਨਸ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, so English to shuru karungi. In English we say, like, you teach a man to fish, or you give a man a fish, ek kahavat, I'll just translate it in Punjabi, je ek aadmi nu tusi ek machhi davonge aur ek din layi avdi bhukh puri kar sakoge ji, je tusi unu sikhaoge bhai machhi ki main padni hai, je unu sand davonge machhi pad layi, fir oh sari umar oda ted padya rahega, avde parivar nu ji oh ਯੂ ਨੋ ਖਵਾ ਸਕੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕੂਗਾ, ਸਿਖਾ ਸਕੂਗਾ, ਵਧਾ ਸਕੂਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ
मैं ताए है अशोका ऑर्गेनाइजेशन नू बहुत पसंद कर दी हैं भाई ये सिर्फ एक बड़ा सेवा अपन ने यू नो सारे सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सारे सारे नू सेवा दार बनना चाहिए था बट सेवा तो गाहा ये सिर्फ ये नहीं भाई एक बड़ा पैसे देते ते एक दिन लई भाई बंदे दा सार गया ये हैगा भाई सारा सिस्टम नू चेंज करना ते सिस्टम सिर्फ ये नहीं भाई जेरे आज जवाका ये अशोक का काम कर दिया सारिया पीढ़िया नाल ते सारे तो वधिया आइडिया सारे तो वधिया हल अपने आम लोगों तो आते हैं वो कोई पॉलिटिशियन नहीं लैके आऊगा कोई कंपनी नहीं लैके आऊगी अपने आम लोग जेरे उत्थे रहिंदे आ उन जिथे पले होए आ किते भी दुनिया च उन्होंने प्रॉब्लम देखिया हुई अपने सारे मन चाहता भी जे ये काम आए हो जाए तो आह प्रॉब्लम हल हो जाए है ना आप सारे है आप यू नो दो चार मिनट किसी बीबी नाल बैठ के गल करो तो उन्होंने सारे पिंड जो छड़ के इत्थे आए है राइट सो मैं इहदे बारे भी गल करना चाहनी हां तुसीं सानूं थोड़ी एग्जाम्पल्स दवो कि किस तरह यह संस्था मतलब अगर तुसीं ग्राउंड लैवल की गल कर रहे हो अगर तुसीं एक पिंड नूं लै लो अपने पिछोकड़ अपने पिंड नूं लै लो किस तरह तुसी इस संस्था का जो मॉडल हैगा उन्हूं अपना के उस पिंड दे विच ग्राउंड लैवल ते कोई पॉजिटिव लोंग टर्म लंबे समय लिए कोई पॉजिटिव चेंज लैके आ सकते हो इत्थे सानू एक छोटी जी ब्रेक लिए रुकना पै रहा है साडे नाल जुड़े हन टू वंडरफुल लेडीज अशोका संस्था वल्लों उन्हां दे नाल गल जारी रहेगी ब्रेक तो उस बाद ब्रेक तो बस आए का स्वागत तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम अज का मुद्दा गल हो रही है एक नवी संस्था दे नाल जो एक नवी किस्म की सोच लैके आ रहे हैं भावें वो काफ़ी पुराने समय तो ये काम दे विच लगे हुए है मैं कहांगी कि जिथे इस मंच ते तुहानू वक वक संस्थावां दे नाल मुलाकात कराते हैं ये डेफिनेटली एक अनोखी जी संस्था है कि जिन्हां दा जो मॉडल है वह ना कि सिर्फ जो अज की नीड है उन्हूं वेखदा है बट वो देखता है कि अज की नीड आई क्यों अगर कोई बंदा लाचार सड़क पर सो रहा है बेघर है तो उन्हूं तुसी कंबल दे के नहीं उहदी सिचुएशन सुधार सकते मतलब एक रात लई शायद उन्हूं तुसी कंबल दे के उन्हूं निग्गा रख सकते हो बट उन्हें उत्थे सड़क पर ही रहना है उस बंदे दे जो हालात हन उहदा सिस्टम ही अगर चेंज होएगा तद इंप्रूव हो सकते है इस चीज़ ते किस तरह कम हो सकता है कम हो रहा है ये बारे जानकारी सानू दे रहे हैं मनमीत जी ते गुरदीप जी अशोका संस्था वालों एक बार फिर मैं उन्होंने स्वागत कर दी हाँ लेडीज वेलकम बैक यू नो सो ये कॉन्सैप्ट थोड़ा वक्रा जहा है भावें यह संस्था बहुत पुरानी है आई थिंक यू सैड 1981 1980 तो ऑलमोस्ट एक्टिव हो एंड मनमीत जी तुम दस रहे आई मीन इट्स वर्ल्ड वाइड राइट लाइक थोड़े वक् वक् मुल्कों के ऑफिस हैं थोड़े टीम मैंबरस हैं मतलब फैलोज़ राइट उन्होंने तुम फैलोज़ कहते हो सो ये जो फैलोज़ का कॉन्सैप्ट है मैं चाहती इन सानू थोड़ा होर दसो बिकॉज जिदा गुरदीप जी तुसी ब्रेक तो पहले कह रहे सी कि एक अगर तुसी यू नो एग्जाम्पल के तौर पर एक पिंड नू किस तरह सुधारना है जो उस पिंड दे विच रह रहे है उत्थे उन्होंने रहना है उन्होंने ही पता है कि बेस्ट की सल्यूशनस है उन्होंने प्रॉब्लम लई या इट्स गुड कि सानू सारे नू लगाव हुंदा है स्पैशली जो छड़ के आंदे अब्रॉड वसदे है कि नहीं अपने जो आप जिन्हों छड़ के आए जो आप छड़ के आए उस चीज़ में कोई सुधार लैके आइए बट कभी कभार सानू यू नो वो डिसकनैक्ट आ जाता है राइट बट जो उत्थे रह रहे है उन्होंने डायरैक्ट रियालिटी पता है मनमीत जी वट इज़ दिस फैलोज प्रोग्राम जो मतलब लोकल इंडिविजुअल्स नू यूज़ करता है ये बारे सानू दसो जरूर जी ते अशोका हले 4,000 अशोका फैलोज है गे ने इन अबाउट करीबन 100 कंट्रियां विच हले ये स्टाफ नहीं है गे हर कोई जैसे कि असि सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं उन्होंने कि ये है हर हर कंट्री तो डिफरेंट कम्यूनिटीज तो उन्होंने कोई इनोवेटिव आइडिया आया है कि कोई प्रॉब्लम को जड़ से कैसे हम हटा सकें सो वहाँ से बात शुरू होती है फिर हम सोचते हैं जैसे कि तुसी कह रहे सी बिगनिंग में कि ये सॉल्यूशन सिस्टम को बदल सकता है थोड़ा
ताकि वो बैंडेड ना रहे पर कोई सिस्टम बदल जाए, तो ये ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हैगी? तो बड़ी लंबी प्रोसेस होंगी, बड़ी रिगरस ड्यू डिलिजेंस नाल प्रोसेस होंगी। असं आइडिया समझना चाहते हैं, असं फैलो के विजन और उनके इंटेग्रिटी समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि उनको हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें ताकि और उनको कनेक्ट करें बाकी ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो ऐसे समझते हैं, सोचते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उनके आइडियाज जल्दी से ग्रो और स्केल करें। तो ऐसे जो फैलो सिलेक्ट होंगे ने, तो हर कंट्री होले एक फैलोशिप बनती जाती, तो यह फैलोशिप लाइफ टाइम की होंगी है। उसी उन्होंने मॉडेस्ट ग्रांट देते हैं 3 साल वास्ते, तो फैलोशिप सारा उनका कनेक्शन पूरी लाइफ टाइम वास्ते होंगे, तो ऐसे बनती जाती है। तो हूँ वंस यू बिकम एन अशोका फैलो, फिर हम देखते हैं कि हम उनको कैसे सपोर्ट करें आगे। जी जी गुरदीप जी, यू नो तुसी मैनू दस रहे सी, अगर आप पिंड का एग्जाम्पल लैके चलिए, राइट, पिंडा दी गल करदे तां लोग बहुत ज़्यादा है, बट जो एक पिंड नू चाहिए, आई मीन गल्लां करन विच किसी का कुछ नहीं जाता, बट अगर तुसी पिंडा दी हालात ही वेख लो पंजाब दे विच, यू नो दैट्स इनफ टू सी के कित्थे तक वो हालात इंप्रूव हुए हैं तो किन्ना कम हले बाकी है, राइट। सो ये जो फैलोज़ का एग्जाम्पल है, अगर आप इस पिंड नू ये एग्जाम्पल एक तौर पे यूज करना है, हाउ डज दैट वर्क? या सो मेरे काम दे विच इन माय स्टडीज मैं एक अर्बन प्लानर हूं, इंडिया दे विच इनू कहंदे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ते आपा गल्लां करदे पई सड़क कित्थों दी चाहीदी है, यू नो दरख्त कित्थे लगने चाहीदे है, लाइक एट अ वेरी स्मॉल लेवल। बट सो जदों पिंडां दी गल्ल आ, आपा I can give you an example by jo mere pend Himatpur ch kar rahe hai, oh koshish kar rahe hai, unhone dekha bhai apan nu ek ambulance di lod hai, and hun efforts ikatthe kar rahe hai bhai apan nu apan kivein aha ambulance bana sakiye and all of that. I think this there is an example by there is a fellow is time pe jada Ashoka de naam kaam kar rahe hai, jinne ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਫਨ ਟਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੀ जी जी मनमीत जी जी, मैं जस्ट ऐड करना चाहती हाँ बिल्कुल, और जो तुसी पिंड दी गल करते पाए हो तो आई थिंक गुरदीप जी तुसी गल कर रहे हो फॉर एग्जांपल अश्विन दी जिन्होंने वात्सल्य हेल्थ नेटवर्क खोला हैगा, विच इज इंडिया का पहला रूरल हॉस्पिटल नेटवर्क है। कि तुसी देखो कि इंडिया 0.25 बेड है पर 100,000 लोग की, ना लाख लोगों वास्ते। तो ऐसे इट्स यू नो एक्सेस एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और जो किसी तरह से एक्सेस भी कर सके फिर वो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ए सोल्यूशन एक बहुत गजब नीड के लिए हैगा, ते उन्होंने डिवेलप किया है ये आइडिया और ये नेटवर्क, ना कर ले कोई एक्सक्लूसिव बड़ा यू नो कि हम बड़े हमारे पास ही सारे आइडिया हैं, और लोग की नाल गल कर करके कि पिंडा च की चाहिदा, कि पिंडा च की ऑलरेडी विस्टम हैगा कि किस तरह से लोग की केयर करते हैं। मनमीत जी, यू नो अब तुसी हेल्थ केयर ते हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर दी गल करो, एंड ऑफ कोर्स कोविड वाले पास से मैं कन्वर्सेशन लैके जाना चाहती हूं, बट बिफोर वी डू दैट, जिथे ये फेलोज दी गल आंदी है, राइट, साडी पहले भी गल हो रही सी, केहो जे इंडिविजुअल्स फेलोज बनदे, आई मीन are they like only you know really highly educated doctors and engineers only, kis tarah de log ki tode naal jud ke ek fellow de taur te local level te positive change laake aan di koshish karde hai, is there any like matlab minimum requirement of any type, kis tarah de log ki judde hai?
नहीं जी, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है ना एजुकेशन की ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। जैसे गुरदीप जी कह रहे सही, यू नो आम लोग की कर सकते हैं। ये होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए कि तुम प्रॉब्लम को किस तरह समझ रहे हो, तुम प्रॉब्लम की जड़ को किस तरह समझ रहे हो, ताकि तुम किस तरह है अपना सोल्यूशन बढ़ा रहे हो इन्फॉर्म्ड बाय द कम्युनिटीज जहाँ पे तुम काम कर दे पाए हो, और वो काम करना चाहिए। तो जब अशोका फेलो नाल इन्वेस्ट करता है, भी हम ए नहीं है कि हमारे को ए सोल्यूशन पे इन्वेस्ट करना है। हमारा आधा इन्वेस्टमेंट इंसान होते हैं कि उन्होंने नजर और समझने का तरीका कैसा है, ते ताकि और कैसे वो सारी पिंडा नु साथ लेके उना दी विस्डम, उना दी यू नो एंशियंट हिस्ट्री और एक्सपर्टीज लेके वो कैसे आइडिया बढ़ाते हैं। जी एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये चीज सब तो वड्डा सोल्यूशन निकल आंदा है, राइट? कि ये नहीं कि तुहाडी डिग्री की तुहानू सिखांदी है, बट तुहाडा लाइफ एक्सपीरियंस तुहानू की सिखा के जांदा है। मतलब एहो जी अप्रोच दैट्स सो इंपोर्टेंट, राइट? बिकॉज आई थिंक उत्थे कोई ना कोई कमी रह जाती है। लोग कहें कि अगर बंदा वड्डा डॉक्टर, वड्डा कारोबारी, कोई वड्डा इंजीनियर, कोई वड्डी डिग्री नहीं लैके आया तो वह वड्डा काम की करूँगा। बट शायद आई थिंक उस सोच दे विच बदलाव लान दी भी लोड है। अगर आप ट्रूली लोंग टर्म सोल्यूशन, लोंग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट की गल कर रहे हैं। एक होर छोटी जी ब्रेक लिए इतने रुकते हैं। मनमीत जी, गुरदीप जी, इस तरह साढ़े नाल बने रहो। व्यूअर्स, तुसी भी कितने ना जाओ, गल जारी रहेगी। बिकॉज हुन कोविड के बारे पर थोड़ी जी जानकारी लवेंगे, किस तरह ये संस्था अज कोविड नू लैके शॉर्ट टर्म ते लोंग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट लैके आ रही है इंडिया दे विच। मिलते हैं ब्रेक तो उस पार। ब्रेक तो बाद एक बार फिर मुड़ हाजिर हो। गल हो रही है नॉन प्रॉफिट सैक्टर की, कि किस तरह जिथे शायद सरकार, शायद जो राजनीतिक पत्र हैगा वो नहीं वड्डी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा, उत्थे नॉन प्रॉफिट सैक्टर किस तरह अपना रोल निभा रहा है। बट नॉन प्रॉफिट दे विच भी एक हुंदी है जो अज दी लोड़ है, एक हैगी कि लंबे समय ले तुसी किस तरह एक एहो जा बदलाव लैके आ सकते हो ताकि वो मतलब प्रॉब्लम ही ना रहे, राइट? सो कोविड ने इंडिया दे विच बहुत वड्डा, मैं कहांगी सारे नू एक सबक सिखाया कि इंडिया दा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किन्ना कमज़ोर सीगा, किन्ना कम हले बाकी है इंडिया दे विच। अगर यू नो सारे जो नागरिक, सारे सिटीजनज हैगे कंट्री दे, उन्होंने एक बेसिक डीसेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। सो लोंग टर्म सोल्यूशन की गल हुंदी है। कोविड ऑफकोर्स लगता नहीं कि किसी भी शॉर्ट टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन दे विच किथे जान वाला है, स्पेशली इन इंडिया। सो आई वांट टू हियर मोर फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। अशोका वालों साढ़े नाल जुड़े हैं मनमीत मेहता जी, तो ऑफकोर्स गुरदीप कौर कैलिफोर्निया तो। वेलकम बैक टू द शो लेडीज। अज की डेट दे विच मतलब ये खुशी की भी गल है तो दुख भी हुंदा कि ये हालात बन गए हैं। बट अज की दुनिया, अज की डेट दे विच मैनू नहीं लगता दुनिया का कोई कोना है जो इंडिया की कोविड सिचुएशन नू लैके दर्द नहीं महसूस कर रहा, ये नहीं सोच रहा कि आप किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो हेल्प भी बहुत लोग कर रहे हैं, भावें वह वड्डे तो वड्डे लैवल पर यू नो गवर्नमेंट्स होन जिन्होंने काफ़ी एड प्रोवाइड की है, वड्डी ऑर्गनाइजेशंस होन, फेथ बेस्ड ऑर्गनाइजेशंस होन, या ईवन इंडिविजुअल्स जो अपनी लिमिटेड कपैसिटी में जाके जो कर सकते हैं कर रहे हैं, राइट? जो साडे डायस्पोरा बैठा है वह भी अपना रोल निभा रहे हैं, भावें वह फाइनैंशियल डोनेशनस होन या वख वख अवेयरनैस रेज करन दी जदों गल आंदी है। बट यू नो ये जो तुहाडी संस्था शोका, मनमीत जी, तुसी मतलब यू नो यू वांट टू शेयर समथिंग डिफरेंट विद अस, बिकॉज वंस अगैन कोविड भावें अज एक नवी महामारी है, बट जो प्रॉब्लम्स इस चीज़ ने दिखाई हैं सानू वो तो काफ़ी लंबे समय तो चलदियाँ आ रही हैं, राइट? सो हाउ कैन वी एड्रेस दोज, खास करके अशोका संस्था, इस संस्था के जो फैलोज हैगे ग्राउंड ते, वो किस तरह इस चीज़ नू एड्रेस कर रहे हैं इंडिया दे विच? जी जरूर। जैसे कि असी हले तक गल करते पाए हैं कि अशोका फैलो ज़्यादातर सिस्टम्स चेंज वाले आइडियाज खुले काम करते हैं, पर तुसी पिंड विच बैठ के काम करते हो, सारे लोग बीमार है कहने, तो तुहानू तो यू नो जब जो तुहाडी तुहाडी इंक्लिनेशन है कि तुसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुसी ऑब्वियसली एक दूसरे की मदद करोगे। एंड जैसे कि
ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਸਟ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਦਵਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸਿਕਿਓਰ ਕੈਸੇ ਕਰੇ ਜਾਏ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜੈਸੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੀਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਫੈਲੋਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਾਇਕ ਫੈਲੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਲੈਟਸ ਟੋਕ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈਗੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਬਲ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਟਰੋਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਔਰ ਅਗਰ ਔਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਮ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਾਂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਚੌਦਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂ ਹਮ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਮ ਲੋਕਲ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਮ ਲੋਕਲ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁਣੇ ਰਿਸਪੋਂਡ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮਸ ਫੋਕਸਡ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੇ ਹੈ ਔਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਪੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਛੁਪਾ ਦੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਟਰੱਸਟਵਰਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਓ ਇਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਮੀਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਸਿਸ ਵੰਸ ਅਗੈਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਉਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵਰਸਿਸ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ Anji, so I think jo shoka de naal hai bahut zaruri cheez is knowledge sharing because inna de jime mani cheez ne dasa hai 4000 fellows ne 100 desan de vich ede naal apni problem hor kise ne dekhiya hoya hai te oh fellows nu connect karke long term lay oh ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਪਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ so that's one thing and dusre thaan te hai bhai covid jime tusi dasse ajj di problem hai so jehde log utthe jude hoye hai lokan naal jehde log already pehla to eh je kam change kam karde aaya eh hun apa ignore ta nahi kar sakde apan nu eh bhi saream ho gayi hai nu address karna ko pehla so
जो तुम हर रोज किसी मिलते हैं गल कोविड इग्नोर नहीं कर सकते आप काम सारे दे काम एक हिसाब न स्टॉप हो गया तो आप सारे काम छड़ के पहला हल लभीए जिनी आप मदद करी जाती है करिए एंड लोंग टर्म भी आप कि मेनटेन करिए सो आप कितनी एजुकेशन आपदम एक साल च सारे सीखनी पी है भी यू नो जर्म्स बारे यू नो एवरीथिंग सो द चंगी चीज विद अशोका इज भी ये जेडे ये लोगों उ लैके नहीं जा रहे हेल्प करने के लिए उस लोगों सपोर्ट कर रहे जो ऑलरेडी उतों के है उत्थे रह रहे हैं उन्होंने संद देंगे उन्होंने नॉलेज देंगे उन्होंने कनैक्शन एंड रिसोर्स देंगे भाई तुम जुड़े रहो एंड आई थिंक कोविड की जिते गल आती है दैट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि जो थोड़ा शेयर्ड एक्सपीरियंस हैगा राइट मैनू याद है जस्ट एज एन एग्जाम्पल जो ये पहले पहले शुरू हुई सी पिछले साल मार्च दे विच न्यूयॉर्क सिटी दे विच केहो जा एक्सपीरियंस सीगा ते सानू इत्थे ए सी कि ए हो की रहा बट ओ सेम चीज़ तीन चार महीनों बाद यूनाइटेड स्टेट्स दे वक वक एरियाज़ दे विच वेखन नू मिली राइट बट इत्थे एक किस्म दी ओ नॉलेज शेयरिंग ओ सिस्टम बनिया होया कि इत्थे दे हस्पताल इत्थे दे लोकल गवर्नमेंट्स ने एक दूजे नाल गल कीती कि ओके जदों इन्ने क नंबर्स तुहाडे वध जांदे ते तुसीं इहो जे मेजर्स अपनाओ जदों तुहाडे हस्पताल दे विच इहो जी सिचुएशन आएगी तुसीं ए जरूर एक्सपैक्ट करो इहदे लई प्रिपेयर होवो राइट जो यूनाइटेड स्टेट्स विच पहले होया उन्नू वेख के दुनिया दे होर मुल्कां ने अपने तैयारियां कीतियां राइट सो ये जो नॉलेज शेयरिंग है कि कोविड दे विच किन्नी अहमियत रखती है आई थिंक प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो आप एक दूजे तो सीख के इस चीज़ को किस ना किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं जिथे आउट ऑफ कंट्रोल है उत्थे होपफुली कंट्रोल कर सकते एक होर छोटी जी ब्रेक ले इत्थे रुक रहे हैं गैस सर नाल जुड़े रहो व्यूअर्स तुसीं भी जुड़े रहो मिलते हैं ब्रेक तो उस पार ब्रेक तो बाद एक बार फिर सारे का स्वागत गल हो रही है अशोका संस्था के कुछ टीम मैंबर्स के नाल एक बार फिर मैं तुहानू दोनों नू स्वागत करती हूँ प्रोग्राम दे विच यू नो ये साडे व्यूअर्स लई मेरे लिए एक नवी संस्था हैगी बट अशोका 1980 तो लगभग लैके ये काम दे विच लगी हुई है जिथे नॉन प्रॉफिट्स की गल आती है उत्थे एक वक्रे किस्म दे काम दे विच ये संस्था लगी हुई है कि ना कि जो अज दी तुहाडी नीड हैगी अज दी मंग आ उन्नू पूरी करन दे विच बट लंबे समय लई वो मंग रहे ही ना वो प्रॉब्लम ही ना रहे उन्नू जड़ तो किस तरह रिजॉल्व करना है उदे विच लगी हुई है यू नो वंस अगेन जीता करदा मैं होर तुहाडे नाल इन चीज़ों बारे सिक्ख्या लवां कि किस तरह ये काम हो रहा है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गनाइजेशन बट समय इत्थे सानू नहीं ज़्यादा इजाजत दिंदा मनमीत जी यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सम प्रोग्राम्स राइट कमिंग अप मैं चाहवांगी तुसी सानू थोड़ा दसो कज अगर होर लोकी आप दे टाइम दे विच तुहाडे नाल जुड़ना चाहते हैं जानकारी लेना चाहते खास करके कोविड नू लैके आई थिंक वी हैव सम इमेजेस टू दैट विल शेयर दिस इनफॉर्मेशन बट मनमीत जी व्हाट डू यू गाइस की तुहाडे आने वाले समय दे विच प्रोग्राम्स हैगे की जानकारी लोकी आप दे टाइम ते जुड़ के तुहाडे नाल हासिल कर सकते हैं इस संस्था बारे हाँ जी एक कम असी बहुत जरूरी समझते गए हाँ कि जो इनसाइट हैगी जो एक्सपर्टीज और विस्टम हैगा वो निकलता हैगा फ्रॉम कम्युनिटीज एंड तो जदो 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 ऐसी कोई चीज होंगी है तो असी देखते हाँ साडे फेलोस Dior. So we have a fellow on the screen, one of your fellows that you recommend, Thoddy website to. So yeah, tell us about, you know, Loki kis tarah na de naal directly bhi jud sakde hai, right? Haan ji. To tusi a page website pe jao, agar tusi ashoka.org te jao, te tusi tuhanu utthe milega ke how social entrepreneurs are responding to COVID in India and utthe stories hagiyan kareeban 20 te 22 ashoka fellows di jo हाले के सिस्टम्स डिफरेंट चीजों को कोई हेल्थ पे कोई एजुकेशन पे काम करता पे है बट अभी वो क्राइसिस में रिस्पोंड कर रहे हैं कोविड वास्ते एंड क्योंकि असी चाहते हैं कि उना दो सपोर्ट तुहाडा जल्द ही जल्द मिले तो हर उस पेज पे इंफॉर्मेशन हैगी कि तुसी डायरेक्टली उना नु सपोर्ट कर सकते हो और वो दस रहे हैं कि की है सपोर्ट सो टेल अस अबाउट दिस इवेंट मे 19 तारीख जो कल सवेरे पेंदी है स्क्रीन ते व्यूअर्स देख सकदे दे बारे थोड़ी जानकारी ए तुसी की इवेंट
ऑर्गेनाइज कर रहे हो। हाँ जी, यह साड़ी वेलकम चेन सीरीज है कि तुसी थानू मैं दस रही सां कि हम इनसाइट चाहते हैं कि हेडलाइंस के पीछे की हो रहा है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जैसे तुसी तुसी और गुरदीप जी कह रहे थे लॉन्ग टर्म की हैगा सोल्यूशन, तो यू नो अजय तो क्राइसिस हैगा, तो अगर हम 6 महीने तो 12 महीने तो साल देखें कि हम कैसे और सिस्टम बदल दे सकते हैं। आज के दिन हर कोई आम आदमी चेंज मेकर हैगा, हम बड़ी मुश्किल में है, तो वो किसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि वो अपना स्टेप अप कर रहे हैं, तो अगले 12 महीने 2 साल 3 साल वो कैसे हम ये स्किल्स करें ताकि ये जो इतनी सारी जो और मुद्दे है गिने फ्रॉम यू नो हजार चीजें फ्रॉम लाइवलीहुड फ्रॉम फूड सिक्योरिटी पॉवर्टी सो मैनी थिंग्स के वो असी अगे कैसे देखें ताकि और आगे कैसे प्रिपेयर होएं ताकि आगे थर्ड वेव और आगे साड़ी ऐसी हालत ना होए। एंड यू नो वंस अगेन हेल्थ केयर इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज सारे साइंटिस्ट सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि आज कोविड है कल कुछ और हो सकता है, एंड कल शायद इस तो भी माड़ी चीज़ आए कि जिते लोग अज यू नो ओवर मेडिकेट या ओवर एंटीबैक्टीरियलाइज कर रहे हैं, शायद कल कोई यही चीज़ आए जो इन सारी चीज़ा तो भी ज़्यादा स्ट्रोंग हुए तो रेजिस्टेंट हुए। गुरदीप जी ये यू नो अगर कोई जुड़ना चाहता है संस्था के नाल किसी भी तरह तुसी की जानकारी उन्होंने दे सकते हो, किस तरह का उन्होंने एक्सपीरियंस होगा, खास करके यू नो साडे व्यूअर्स विच्चों काफ़ी सैल्फ मेड बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जिदा उन्होंने एक उन्होंने भावना होंगी है कि साडा जो पैसा है वह किसी सही पासे लगे, साड़ी शायद कोई कीती हुई मतलब इनोवेशन है जिदे नाल कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है, तो उन्होंने तुसी की कहना चाहोगे? हाँ जी, सो सब तो पहले आह कल सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क के टाइम ए वेबिनार हो रहा है जिथे ए 10 फेलोज जेडे इंडिया के बच्च इस टाइम से काम कर रहे हैं वह तुम उन्होंने क्वेश्चन पूछ सकते पर प्रेजेंटेशन करेंगे भी वह आपके आपका की काम कर रहे हैं पिछले यू नो 3-4 महीने का, तो बहुत तरीके है जे कोई यू नो कोई चाहता भी फैलोशिप लिए अपलाई करना जरूर अशोका के नाल जुड़ो, अशोका के ऑर्गेनाइजेशन के नाल जे किसी दे यू नो इफ यू आर इन कॉलेज इफ यू आर अ यंग अडल्ट जे तुसी इवन इफ यू आर इन हाई स्कूल एंड तुसी इंटरेस्टेड हैं भाई किमें किमें यू नो दुनिया की सेवा करो बट ऑल्सो इन ए सस्टेनेबल वे प्लीज अशोका दे यू नो लुक देम अप ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ते ते इन्हां नाल जुड़ो एंड यू नो डू योर रिसर्च एंड इन्हां दा काम इट्स आई एडमायर इट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट फोकस्ड इन द ग्लोबल साउथ नॉट जस्ट जो जिन्हें आपां कहने गरीब देश हन हरेक थां च इह काम कर रहे हैं अपने अपने लाइक इमिग्रेंट लोकां लई भी इत्थे अमेरिका दे विच भी इन्हां दे प्रोजेक्ट्स तुरे होए ने, सो इट्स वर्ल्ड वाइड एंड अपन हरेक बंदे ते जनानी एंड जवाक दे अंदर है भी आपा भी दुनिया नू बेटर कर सकते जी, एंड इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट दैट। Wonderful, wonderful. Ladies, it was so good to talk to you. Manmeet Mehta ji from Washington, D.C., jithe Ashoka USA de headquarters hai ge. Of course, Gurdeep Kaur ji joining us from Los Angeles. Always a pleasure to have you on the program. Ek baari fir main viewers nu chahundi Ashoka, eh sanstha kaafi lambe samay to ek vakhre kisam da badlav leke aa rahi hai duniya de vakh vakh un areas de vich jithe sab to zyada load hai is tarah di kam di, is tarah de long term positive impact di, te utthe de local कम्यूनिटी जोड़ के भावें वो यंग एक्टिविस्ट होन या कोई योजा एंटरप्रेन्योर जिन्हों के कोल एक वधिया आइडिया उन्होंने सिर्फ थोड़ी जी इंस्टीट्यूशनल हेल्प चाहिए है यू नो लाइक अ ग्रांट फॉर एग्जाम्पल सम रिसोर्सिज उस तरह की हेल्प ये संस्था प्रोवाइड कर रही है, तो व्यूअर्स मैं दसना चाहती अगर तुम इन्हों डायरैक्टली संपर्क करना चाहते हो हेठ लिखे वैबसाइट पर तुम इन्हों के होर जानकारी तो कॉन्टैक्ट इनफॉर्मेशन जरूर वेखो चैक आउट ashoka.org। सो गुड टू हैव you
you. Please, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ. ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਫੈਲੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦੈਮ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਅਗਰ ਹੋਰ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ. Have a good rest of your night, ladies. Manmeet ji, Gurdeep ji, Sat Sri Akaal. Sat Sri Akaal. Thank you for having us. Ji, pleasure. Take care. And jaande de main sirf ehi kehna chahundi ha, of course sanu saryan nu ajj di date de vich in crises nu vekh ke ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਜੜ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰੂਟ ਕੋਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.